नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं यूनिवर्सल न्यूज और मैं हूं आपके साथ अजीत कुमार। खबरों की शुरुआत करते हैं चुनावी माहौल से। फतेहाबाद में लोकसभा चुनाव के मद्देनजर जेजेपी का चुनावी प्रचार। ऊना पहुंचे दुष्यंत चौटाला। चौटाला ने कहा, अच्छे दिन बीजेपी के आए। कांग्रेस और भाजपा दोनों ही पार्टियां जनता को धोखा दे रही है। चौटाला ने कहा, सभी 10 लोकसभा सीटों पर उतारेंगे प्रत्याशी। उन्होंने आगे कहा कि जनता अब बदलाव चाह रही है। देखिए ये रिपोर्ट। लोकसभा चुनाव को देखते हुए राजनीतिक पार्टियों ने भी अपना चुनावी प्रचार आरंभ कर दिया है। जननायक जनता पार्टी के सुप्रीमो दुष्यंत चौटाला चुनावी प्रचार के लिए फतेहाबाद के गांव जांडली पहुंचे। यहां उन्होंने ग्रामीणों से मुलाकात की और एक जनसभा को भी संबोधित किया। उन्होंने कहा कि जेजेपी आने वाले चुनावों में प्रदेश की सभी 10 सीटों पर अपना उम्मीदवार उतारेगी। वहीं उन्होंने भाजपा पर तंज कसते हुए कहा, अच्छे दिन तो भाजपा के आए होंगे। जनता के नहीं। उन्होंने कहा, आज भाजपा और कांग्रेस दोनों पार्टियां जनता को बेवकूफ बनाने में लगी है। भाजपा को घेरते हुए उन्होंने कहा कि भाजपा देश की सभी सीटें जीतने की बात करती है, मगर चुनाव जनसभाओं से जीते जाते हैं, बातों से नहीं। उन्होंने कहा कि आज देश की जनता का रुख बदल रहा है। भाजपा का ग्राफ तेजी से गिरा है, जिसका उदाहरण जिंद उपचुनाव में भी देखने को मिला, जहां सरकार ने सभी सरकारी मशीनरी दुरुपयोग किया, फिर भी 50,000 वोट पर सिमटना पड़ा। उन्होंने कहा कि आज जनता परिवर्तन चाह रही है। 543 जीतने की बात, मगर चुनाव जन भावनाओं से जीते जाते हैं पूरे प्रदेश के अंदर। दिन प्रतिदिन भाजपा का ग्राफ मिलता जा रहा है और उसका एक ट्रेलर जीत के अंदर दिखा, जहां सरकारी मशीनरी का पूरा उपयोग कर भी ये 50,000 वोटों पर सकते हैं।